नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आईयूबी बैंक पे, यानी इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एक नेशनलाइज्ड बैंक है। दूसरा बात करेंगे एक्सपेंस रिटेल पे, आईओपी पे। बड़ी खबर ये है कि आरबीआई ने यहाँ पे काफ़ी बड़ी इनको राहत दी है, उसके चलते स्टॉक में 20% का अपर सर्किट आज की डेट में लगा, लेकिन स्टॉक सर्किट का जो है ब्रेक भी हुआ और 12 से 13% के गेंस के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए, बात कर लेते हैं आईओबी बैंक के बारे में। आईओबी बैंक शेयर हिट्स अपर सर्किट 20% आफ्टर आरबीआई रिमूव्स लेंडर फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क। यानी पीसीए फ्रेमवर्क के अंडर में इनके एक रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे इसके लगाए हुए थे, वो अब जो है हटा लिए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो देखिए आगे देखते हैं, आरबीआई रिमूव्स इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक करंटली अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क PCAF ऑफ आरबीआई वॉज रिव्यूड बाई द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन। इट वॉज नोटेड दैट एज पर इट्स पब्लिश्ड रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021, द बैंक इज नॉट इन द ब्रीच ऑफ PCA पैरामीटर्स, आरबीआई सेड इन स्टेटमेंट। तो इन पर जो आरोप लगे थे कि PCA पैरामीटर्स, कुछ कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स रहते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस, उनका उल्लंघन इन्होंने नहीं किया है, जो कि March 31, 2021 के नंबर्स इन्होंने जारी किए। इनको शिकायत मिली थी कि शायद उल्लंघन हुआ है, तो इसकी जाँच की जा रही थी। द बैंक हैज़ प्रोवाइडेड अ रिटन कमिटमेंट दैट इट वुड कम्प्लाई द नॉर्म्स ऑफ मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल, नेट NPA एंड लेवरेज रेशियो ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, एंड हैज़ प्रेज्ड द आरबीआई ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमेटिक इंप्रूवमेंट दैट इट हैज़ पुट इन प्लेस विच वुड हेल्प द बैंक इन कंटिन्यूइंग टू मीट दिस कमिटमेंट्स, इट एडेड। बात करें हम इंट्राडे के चार्ट की, इंडियन ओवरसीज बैंक का चार्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टॉक की कल की क्लोजिंग 20:30 के आसपास की है, स्टॉक काफ़ी गैपअप के साथ भी खुला, करीब 23.5 से 24 रुपये के आसपास। उसके बाद ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा करेक्शन भी आया। ये जो एक छोटा सा आप जो एक डैश देख रहे हैं, इस इतने समय के लिए ही इसमें अपर सर्किट सुबह मॉर्निंग में रहा था। अभी 12:51 हुए दोपहर के, और फिलहाल स्टॉक जो है 12.5% 12.75% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है। चार्ट की जल्दी से मैं आपको हिस्ट्री दिखा दूं तो 5 दिन में देखेंगे 11.5% के गेंस हैं, 1 महीने में 17.5% के हैं, 6 महीने में 44%, ईयर टू डेट पे स्टॉक डबल है। देखिए 113% के गेंस है, 10 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता था। 1 साल की अवधि में 150% के दमदार रिटर्न अब तक मिले हैं, और स्टॉक का हाई करीब करीब 27.5 के आसपास का रहा है June 2021 में। तो देखिए बात करेंगे स्टॉक के डेली चार्ट की, तो आपको डेली चार्ट पे स्टॉक 23.10 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक एक सपोर्ट लेना चाहिए, अगर बाय द वे थोड़ा और स्लिप होता है तो वो है 22.5 का लेवल। अगर 22.5 के लेवल के पास गया तो अगेन साइडवेज हो जाएगा, लेकिन 22.5 से ऊपर जब तक स्टॉक है इसकी संभावना पूरी बनेगी कि 25 के टारगेट को छूने का ट्राई करेगा। 25 से लेकर 27.5 के यहाँ पोजिशनल टारगेट आप आने वाले वीक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली बात करते हैं स्पेंसर रिटेल लिमिटेड के बारे में। तो देखिए टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, फैब्रिक आदि से जुड़ा हुआ स्टॉक है, अपैरल कंपनी रेडीमेड बनाती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छी खबरें पिछले वीक्स में आई हैं। पिछले महीनों में आपने देखा कि टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े PLI स्कीम से लेकर काफ़ी सारी राहत गवर्नमेंट द्वारा दी गई है, साथ ही साथ UK US में इंडियन अपैरल की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, और एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए भी यहाँ पे जो एसोसिएशन है इनका, एक्सपोर्ट का एक एसोसिएशन है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जो राहत की बातें इसमें बताई हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने की भी बात वहाँ की गई थी। इसके बारे में भी मैंने एक लास्ट मंथ आपको वीडियो बना के इंटीमेट किया था। सारे के सारे रिटेल से जुड़े हुए स्टॉक काफ़ी तेज़ी बनाए थे। 1 दिन में देखेंगे तो आज 13% के गेंस हैं, 5 दिन में 16 के, और 1 महीने में देखिए 26% के दमदार रिटर्न इसने दिए हैं, ईयर टू डेट पे 40 के, और 1 साल की अवधि में 70% के आसपास के रिटर्न है, और काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी स्टॉक ने देखे हैं, लेकिन 52 वीक्स के हाई फिलहाल स्टॉक क्रिएट कर चुका है। तो देखिए डेली चार्ट की अगर बात बताऊं तो स्टॉक के पास एक हर्डल थी जो कि आप 120 के लेवल पर देख रहे हैं, वहाँ स्टॉक ने 2 बार सस्टेन करने का ट्राई किया लेकिन 2 बार फिसलते हुए देखने को मिला, और फाइनली आज 3री बार में 120 के ऊपर एक दमदार ब्रेकआउट दिया है। एक उसके भी ब्रेकआउट लेवल के 8 रुपये ऊपर स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे मोमेंटम लगातार स्टॉक अप्रैल के महीने से आप देख रहे हैं, टेक्सटाइल्स में जब से खबरें आना स्टार्ट हुई हैं तो 70 से लेकर 128 के लेवल स्टॉक ने अप्रैल से लेकर अब तक बना दिए हैं। बात करें इसके मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट आप देखेंगे स्टॉक अभी भी आपको जो है अपने लाइफ टाइम हाई से 175 से नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और वीकली चार्ट पे हम नेक्स्ट हर्डल अगर ढूंढने का प्रयास करें तो देखिए 125 पे एक हर्डल थी जो कि स्टॉक ने फिलहाल क्रॉस किया हुआ है, लेकिन 125 के ऊपर सस्टेन करना, साथ ही साथ क्लोजिंग मिलना इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर से थोड़ा साइडवेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 125 पे स्टॉक ने जो है सपोर्ट लिया था 2 बार, तो 125 के ऊपर क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन करते हैं, और आने वाले
वीक्स में और महीनों में 150 तक के और टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी ने ले रखा है आराम से होल्ड करिए, 175 भी ये पोजिशनली टारगेट देगा। चलिए बात कर ली इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में जहाँ पे खबरें थी। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।